Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about MS and MD program of Padam Shri Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Navi Mumbai. इसके पहले हमने डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज के पुणे वाले कॉलेज के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम नवी मुंबई वाले कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे और एमडी और एमएस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानेंगे. बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल. सो इंस्टीट्यूट है या जो यूनिवर्सिटी है वो एस्टैब्लिश हुई थी 2002 में. प्राइवेट है ये और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है. एक्रीडिशन और रैंकिंग की बात करें तो नैक का ग्रेड ए का एक्रीडिशन है इसके पास एंड इट रैंक 41 बाय एनआईआरएफ इन 2021. अगर कोर्सेज ऑफ फी स्ट्रक्चर को देखें तो ये एमडी और एमएस ऑफर करता है काफी सारी स्पेशलाइजेशन में, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस, साइकाइट्री. और कंप्लीट कोर्स की लिस्ट जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं पॉज करके. अगर मैं बात करूं सीट इनटेक की तो सीट इनटेक भी जो है स्पेशलाइजेशन में डिफर करता है जो डिसाइड करता है कॉलेज. तो एनाटॉमी में 2 सीट्स हैं, एनेस्थीसियोलॉजी में 18 सीट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें 2 सीट्स हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में भी 2 सीट्स हैं, देन डर्माटोलॉजी में 10 सीट्स हैं, इमरजेंसी मेडिसिन में 3 सीट्स हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन में 1 सीट है, जनरल मेडिसिन में 24 सीट्स हैं और इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में 4 सीट्स हैं, पैथोलॉजी में 10 सीट्स हैं और हर स्पेशलाइजेशन में जितनी भी सीट हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और पॉज करके रीड कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं फीस के बारे में. तो फीस स्ट्रक्चर भी वेरी करता है स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन. तो अगर हम डिस्कस करें एमडी एनाटॉमी की फीस तो उसकी फीस है 7,50,000, एनेस्थीसियोलॉजी की 33 लाख, बायोकेमिस्ट्री की सेम 7,50,000, कम्युनिटी मेडिसिन की भी सेम फीस है 7,50,000, उसके बाद डर्माटोलॉजी की 65 लाख है, इमरजेंसी मेडिसिन की 40 लाख, फैमिली मेडिसिन की 30 लाख, देन फॉरेंसिक मेडिसिन के अगेन 7,50,000, जनरल मेडिसिन की 40 लाख, जीरियाट्रिक्स मेडिसिन की 30 लाख और सारी स्पेशलाइजेशन का फी स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कट ऑफ के बारे में. तो कट ऑफ जो है वो हर साल डिफर करता है, ये डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे. बट अगर आपको लास्ट के कुछ ईयर्स का कट ऑफ पता होता है तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि क्या चांसेस है आपकी उस कॉलेज में एडमिशन मिलने की. तो मैं आपको बताऊंगी ये 2021 का कट ऑफ राउंड वन का. तो अगर हम जनरल का सर्जरी की बात करें तो उसमें 2021 में राउंड वन का जो कट ऑफ रैंक थी वो थी 50,569. एनेस्थीसिया के लिए ये रैंक 72,186 थी. राउंड वन की ही बात करूंगी मैं सारी स्पेशलाइजेशन में. डर्माटोलॉजी, वेनरोलॉजी और लेपर्सी में 24,487 रैंक थी. इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्थोपेडिक्स की तो उसमें 59,618 क्लोजिंग रैंक थी. फिर अगर हम बात करें पैथोलॉजी की तो उसमें 97,687 क्लोजिंग रैंक थी. पीडियाट्रिक्स में यही रैंक 35,954 थी. ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में 47,163 थी और सारी स्पेशलाइजेशन की क्लोजिंग रैंक जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और बॉस करके रीड कर सकते हैं. तो आज मैंने आपको इस वीडियो में पद्मश्री डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ नवी मुंबई के एमएस और एमडी प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूंगी तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.